हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल s.k.t.c.c में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छी तरीके से अच्छे होंगे। और आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि आज मैं आपको सिलेबस, जितना भी सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है 30%, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको सामने दिख भी रहा होगा, आप देख सकते हैं, उसको आप देखिएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, मैं अभी बताऊंगा लिखा हुआ है इसमें से। और आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को देखिए, मैं यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के आपको बता रहा हूँ, गणित का है आपका सिलेबस, इसमें से आपको गणित में कौन कौन से की पॉइंट याद रखना, कौन सा छोड़ना है, आपको कौन सा आपको नहीं पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है वो बताया जा रहा है। लिखा है, COVID-19 महामारी के कारण शैक्षिक पत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से गठन लिखा पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में समक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम, लिखा है 30% पाठ्यक्रम हमारा कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। पहला पाठ हमारा लिखा संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन है ये इसमें से, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ प्रतिलोम फलन, फिर सतता तथा अवकलनीयता, ठीक है, इकाई एक इकाई तीन है, इकाई चार सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश में सदिशों के अधिश त्रिगुणनखंड ये कम किया गया है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसमें दो रेखाओं दो तल और एक रेखा एक तल के बीच का कोण, इतनी चीज आपको इसमें से कम की गई है, ठीक। फिर लिखा प्रयक्ता, अब देखिए प्रयक्ता लिखी हुई है, आप प्रयक्ता पढ़ सकते हैं, प्रयक्ता दिख रही होगी आपको, ना दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो जी आपको दिख रहा होगा, ठीक, अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ। फिर लिखा है उपरोक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम जो है निम्नवत है, आपको 70% पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है वो आपके पास निम्नवत है, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखने लगेगा अच्छे से, ठीक। अब देखिए इसमें से जो हमारा निम्नवत है वो देखिए आपको लिखा है, गणित केवल प्रश्न पत्र है, संबंध तथा फलन कितना 10 मार्क्स का है, बीज गणित जो है 13 मार्क्स की है, कलन जो है हमारा इसमें अवकलन समाकलन अवकलन के अनुप्रयोग समाकलन अनुप्रयोग जो दिए हैं 44 नंबर के हैं आपके पास। फिर लिखा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति जो 17 नंबर की है, रैखिक प्रोग्राम है 6 नंबर का। देखिए यहाँ पे हमें प्रयक्ता नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, और हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ये थोड़ी सी हटाई की कुछ चीजें हटाई गई, कुछ आपको पढ़ना है, तो जो पढ़ना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा इस पेज को, मतलब ऐसा कर देता हूँ, देखिए जी लिखा हुआ है आपके पास, देखिए प्रयक्ता लिखा है, प्रयक्ता आपके पास 10 नंबर की है, ठीक है, 100 नंबर हो गए आपके पास। अब देखिए जो चीज आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपको दिए हुए हैं, लिखे हैं संबंध तथा फलन, संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य लिखा है, सम्मिति संस्क्रामक, थोड़ा सा पढ़ नहीं मतलब दिख नहीं रहा, मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा और जूम इन और जूम कर देता हूँ आपको, अब दिखेगा अच्छा रहा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, जी अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, जी देखिए लिखा है संक्रामक तथा तुल्यता, संबंध एकीकृता, लिखा अच्छातक फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपको परिभाषा परिषद प्रांत और मुख्य मान, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, प्रूविंग वाले सवाल नहीं पढ़ने हैं। बीजगणित में आपको क्या पढ़ना है, आव्यू संकल्पना, देखो आपको लिखा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये आपको वो चीज है जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीन ले लीजिए, आव्यू तथा शाणलिक के बीच में जो टॉपिक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे क्या लिखा हुआ है, तीसरा जो है आपके पास है कलन, ठीक है, कलन आपको दिख रहा होगा पूरा, सतता तथा अवकलनीयता पढ़ना है, अवकलनों के अनुप्रयोग पढ़ना है, फिर समाकलन लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसी के अनुसार आपको आप पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, तो आप लोग वहां से ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, आप अपने पास, अगर आप लोग के पास पीडीएफ अभी नहीं पहुंची होगी तो आप इससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जी हो गया आपका। अब देखिए इसी के आगे और थोड़ा सा है, ये जो प्रूविंग्स दी हुई है इन फार्मूला बेस पे वो आपको पढ़ना है, अब देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक, इसी के साथ साथ आपके पास समाकलन के अनुप्रयोग है वो जी आपके पास इस तरह पे नेक्स्ट पेज में है, ये देखो आपके पास दिख रहा होगा समाकलन के अनुप्रयोग, फिर लिखा हुआ है अवकलित समीकरण है वो भी आपको पढ़ना है, ये दिए हुए अवकलित समीकरण पढ़ाए जाएंगे आपको, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति जो लिखी हुई है इसका देखिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, ये देखिए आपके पास आ गया, आपको नंबर्स भी लिखे हुए हैं बाकायदे,
ठीक। थ्री हो गया आपका सदी तथा त्रिविमीय ज्यामिति, जिसके जो टॉपिक दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना है इसमें। फिर ज्यामिति के परिचय पढ़ना है। अब आपका आ गया रैखिक प्रोग्राम, जो आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। रैखिक प्रोग्राम में आपको ये चीज पढ़ना है, प्रोग्राम भूमिका सब कुछ दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। फिर लिखा है प्रायिकता, सशर्त और सप्रतिबंध प्रायिकता तथा नियम तथा स्वतंत्र घटनाएं एवं कुल प्रायिकता, बीज बीज ब्रिज और का प्रमेय, जी आप चीज को पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पढ़ना है। ये था आपका गणित का सिलेबस था जो आपको बताया गया है। अब इसी के आगे आपको आगे वीडियो मिलेगा, वो भी आप लोग देखिएगा। गणित के साथ साथ आपको सारा सिलेबस आज बताएगा, गणित और क्या आपको फिजिक्स भी बताई जाएगी और केमिस्ट्री भी आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। और आप लोग क्या, आप अगर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।